कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके नाम से जारी सिम कार्ड पर कोई ठगी कर रहा हो। दिल्ली पुलिस ने जामताड़ा के एक ऐसे ही गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 21,700 सिम कार्ड बरामद किए हैं। बाहरी उत्तरी दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने जामताड़ा के मशहूर ठगों के गिरोह को पकड़ा है। ये लोग गूगल और फेसबुक पर 10 लाख रुपए महीना देकर विज्ञापन दिया करते थे, जिसकी वजह से बैंकों की फर्जी कस्टमर केयर की साइट सबसे ऊपर दिखने लगती थी। वेबसाइट पर मौजूद नंबर पर जैसे ही कोई शख्स क्लिक करता, उसकी बात जामताड़ा में बैठी ठगों से होती, जिसके बाद ठग एक के बाद एक करके पीड़ित से कई बार ओटीपी लेते और उसके बैंक अकाउंट से सारे पैसे साफ कर देते। तो जब जैसे ही आप इसमें कस्टमर केयर का नंबर सर्च करेंगे, तो क्योंकि इन्होंने पेड ऐड दी हुई है, तो सबसे ऊपर इनका जो ऐड है वो आना शुरू हो जाता है। तो उसके चलते लोग उस ऐड पे क्लिक करते हैं और वहां से नंबर ले लेते हैं, और उसके बाद जो है कॉल इनके पास डाइवर्ट हो जाती है डायरेक्ट। पुलिस के मुताबिक निजामुद्दीन अंसारी इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है, जो पहले भी 2021 में गिरफ्तार हो चुका है। जांच में पता चला कि ये लोग ठगी की 77 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। निजामुद्दीन अंसारी वारदातों को अंजाम देने के लिए नसीम से सिम कार्ड लिया करता था। पुलिस को नसीम के पास से 21,700 सिम कार्ड मिले हैं। नसीम ने पूछताछ में बताया कि उसने 12,500 सिम कार्ड पहले भी लिए थे। पुलिस को इनके पास से 774 विदेशी सिम कार्ड मिले हैं, जो कि नेपाल, भूटान और चीन के हैं। नसीम बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सिम कार्ड जारी करने वालों के संपर्क में था। वहां सिम कार्ड देने के दौरान लोगों की केवाईसी प्रक्रिया में एक बार की जगह 4 से 5 बार अंगूठा लगवा लेते, जिसके बाद एक सिम कार्ड उसको देते, जबकि बाकी के सिम कार्ड साइबर ठगी के लिए भेज देते। इसके अलावा सिम कार्ड खरीदने वाले लोगों के दस्तावेजों के जरिए बल्क में सिम कार्ड खरीद लेते थे। ये गिरोह इसी तरह अब तक करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम देते हुए 2,000 लोगों को चूना लगा चुका है। कस्टमर केयर पे फोन करने के बाद उनके अकाउंट से 10 लाख रुपए चले गए। तो उसकी कंप्लेंट की इंक्वायरी केस रजिस्टर करने के बाद हमने शुरू की, तो अकाउंट में जितना पैसा गया था वो सब तो हमने फ्रीज करा दिया। बट जब इसको हमने पर्चे इसकी खोलनी शुरू की, तब पता चला कि इसमें 26 से 27 सिम कार्ड यूज हुए हैं। कस्टमर केयर का झांसा बना के इनसे अलग अलग तरीके से ओटीपी लिया गया और इनके मोबाइल में भी जो है एनी डेस्क नाम का सॉफ्टवेयर है वो डाला गया और फिर पैसे निकाले गए। दिल्ली पुलिस इस मामले में बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है।